थर्मल फ्लास्क के दीवार सॉरी थर्मल फ्लास्क के इन्वेंटर कौन थे? दीवार है, ठीक है। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? दीवार है। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? दीवार है। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक जेम्स दीवार है, ठीक है, जेम्स दीवार है। थर्मल फ्लास्क में ठंड पेय पदार्थ अधिक देर तक ठंडा रहता है और साथ ही गर्म पदार्थ गर्म रहता है। ये किस इसलिए सामान्यतः पेय पदार्थों को अधिक समय तक ठंडा और गर्म रखने के लिए बिना किसी ईंधन और थर्मल फ्लास्क में रखा जाता है। इस थर्मल फ्लास्क आविष्कार दीवार फ्लास्क भी कहते हैं, ठीक है। थर्मल फ्लास्क में ऊर्जा का क्षय रोका जा सकता है किसके द्वारा? चलन द्वारा भी रोक सकते हैं, संवहन द्वारा भी रोक सकते हैं और विकिरण द्वारा भी, ठीक है। कंडक्शन द्वारा, कन्वेंशन द्वारा और रेडिएशन द्वारा, ये तीनों के द्वारा रोक सकते हैं। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा को क्षय रोका जा सकता है कौन कौन विधि से? थर्मल फ्लास्क से जो होता है ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है कैसे? चलन से, संवहन से, अभिकिरण से। कंडक्शन से, कन्वेंशन से और रेडिएशन से थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा को क्षय को रोका जा सकता है कंडक्शन द्वारा, कन्वेंशन द्वारा, रेडिएशन द्वारा, ठीक है। थर्मल फ्लास्क में तीनों काम करता है, कंडक्शन का भी काम करता है, कन्वेंशन भी काम करता है, रेडिएशन का। ये तीनों से ही क्या करते हैं? ठंडा होने से बचाते हैं, ऊष्मा क्षय को रोकते हैं, ठीक है। एनर्जी हीट रिलीज होने से रोकते हैं या ऑब्जर्व करने से रोकते हैं। थर्मल दोनों होता है इसमें ना, एनर्जी हीट या रिलीज दोनों ही रोकता है। थर्मल फ्लास्क दो भित्तियों वाली बोतल होती है, बाह्य भित्ति का अंतःपृष्ठ तथा अंतःभित्ति का बाह्य पृष्ठ क्या होता है? कलर किया होता है, रंजित होता है, चमकदार होता है, ताकि विकिरण के कारण ऊष्मा को क्षय को रोका जा सके। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? इससे क्या होता है? विकिरण द्वारा होने वाली जो ऊष्मा हानि होता है उसको रोकता है विकिरण द्वारा, ना कि रेडिएशन भले सॉरी कन्वेक्शन द्वारा या कंडक्शन द्वारा, ये दोनों नहीं बल्कि रेडिएशन द्वारा जो होने वाली ऊष्मा होती है उसको रोकता है। रेडिएशन द्वारा जो होने वाली ऊष्मा होती है उसको हानि को रोकेगी, ऊष्मा हानि को रोकती है। रेडिएशन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकती है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें जो होती है ओके, थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें जो होती है चमकीली होती है क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकता है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? थर्मल फ्लास्क की विकिरण द्वारा होने वाले रेडिएशन ऊष्मा हानि को रोकता है, ठीक है। हीट लॉस को रोकता है विकिरण द्वारा जो होता है, रेडिएशन द्वारा जो हीट लॉस होता है उसको रोकेगा, ठीक है। थर्मल फ्लास्क में दो भित्तियों वाली होती है जिसमें बाह्य भित्ति अंतःपृष्ठ तथा अंतःपृष्ठ बाह्य पृष्ठ क्या होती है? रजिजित होती है ताकि विकिरण के कारण ऊष्मा क्षय को रोका जा सके, ठीक है। थर्मल फ्लास्क का तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म क्यों रखता है? देखिए, इसकी चमकदार आंतरिक दीवारें या बाह्य आवरण की दोहरी दीवार ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट दोनों होने से रोकती है। चमकदार जो दीवार होती है और बाह्य आवरण तथा की दोहरी दीवार तथा ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है, ठीक है। थर्मल को खोले या देखें कि आपके थर्मस में ऊष्मा के क्षय को रोकने वाली पॉलिश होगी जो कि चांदी की पॉलिश होती है। क्या अच्छी होती है? चांदी की पॉलिश की होती है। आप पाएंगे कि यह किसी तरह से क्रैक हो गई है, यही कारण है कि आपके थर्मस का टेम्परेचर सामान्य नहीं हो रहा है जैसा कि आप चाहते हैं। किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारें पर कलाई की जाती है किसके द्वारा? तो रेडिएशन द्वारा करते हैं, ठीक है। कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण को यानी एनर्जी ट्रांसमिशन को लो करना है इसके लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर किस चीज़ की कलाई की जाती है? थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है रेडिएशन द्वारा। थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर रेडिएशन की कलाई की जाती है
थर्मल फ्लक्स जो दीवारें होती है उस रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, थर्मल फ्लक्स की जो दीवारें होती है उसकी कलाई करते रेडिएशन के द्वारा किसी विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए क्या होती है। थर्मल फ्लक्स की दीवारों पर कलाई की जाती है किसके द्वारा, रेडिएशन द्वारा। थर्मल फ्लक्स की दो भित्तियों वाली बोतलें होती है जिसकी बाह्य भित्ति अंतःपृष्ठ तथा अंतःभित्ति का बाह्य पृष्ठ राजित होता ताकि विकिरण के कारण ऊष्मा को क्षय को रोका जा सकता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान यानी एक द्रव्यमान को ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, 1 डिग्री टेम्परेचर को, 1 डिग्री टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा, लगी ऊष्मा एक टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। टेम्परेचर की 1 डिग्री बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। टेम्परेचर की 1 डिग्री में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। टेम्परेचर की 1 डिग्री में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। टेम्परेचर की 1 डिग्री में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। टेम्परेचर की 1 डिग्री बढ़ाने में लगी ऊष्मा, टेम्परेचर की 1 डिग्री में बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए उसे ऊष्मा देनी पड़ती है किंतु अलग अलग पदार्थों की समान मात्रा का ताप, सामान मात्रा को बढ़ाने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊष्मा की जरूरत होती है। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यानी एक इकाई मात्रा डिग्री एक इकाई किसी पदार्थ की इकाई मात्रा की टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो चाहिए हमें, ठीक है, उस पदार्थ को क्या कहलाते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, निम्न में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका, किसमें विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का मान सबसे अच्छा किसका होता है? जल का, जल का होता है। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल का होता है। स्पेसिफिक हीट किसका अच्छा होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान यानी स्पेसिफिक हीट जल का होता है, कांच का नहीं, तांबा का नहीं, बल्कि स्पेसिफिक हीट किसका होता है? जल का होता है। स्पेसिफिक हीट किसका होगा? जल का होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। दिन के समय में जो है पृथ्वी समुद्र तल की अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो जाती है। पृथ्वी क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी का जल की विशिष्ट ऊष्मा की धारिता अधिक होती है। ठीक है, हाँ, पृथ्वी का देखो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए क्या होती है ना, पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है समुद्र के तुलना में। पृथ्वी ज़्यादा गर्म क्यों हो जाती है समुद्र के तुलना में? क्योंकि देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल का जो विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होती है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होती है, इसीलिए पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, दिन में जो पृथ्वी अधिक गर्म हो जाती है समुद्र की तुलना में, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है समुद्र के पानी का, यानी जल के पानी का क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होती है, इसीलिए क्या होता है, पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती है समुद्र के तुलना में दिन के समय में। ठीक है, 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी = मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पानी का व्यवहारिक रूप प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार में किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी कम ताप पर मिलता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है, पानी का स्पेसिफिक हीट अधिक होती है, इसलिए मोटर गाड़ी में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए मोटर गाड़ियों में पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, मोटर गाड़ियों में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी का। क्यों? क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होती है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अधिक होती है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर सकता है पानी। इसीलिए क्या होता है, रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार में लिया जाता है। रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, जो 4.2 जूल होता है एक कैलोरी बराबर। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापमापी इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजनों का प्रयोग, यानी लो से लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर इंजन का यूज कहाँ करते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है, यानी रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानी प्रयुक्त होने वाले जो द्रव ईंधन चालित ईंधन में बहुत कम तापमान पर भरा हो जाता है, इसलिए ऐसे इंजन का निम्न तापमान भी रॉकेट इंजन या तुषार जनित रॉकेट इंजन भी यानी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों के ईंधन ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में हाइड्रोजन और ईंधन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य करता है ठोस ईंधन की अपेक्षा यह कई गुना शक्तिशाली सिद्ध होता है। रॉकेट को बूस्ट देते हैं, विशेषकर लंबी दूरी और भारी रॉकेट के लिए यह तकनीकी आवश्यक है।